कल की भाग दौड़ में ना मैं अभी के साथ बिल्कुल टाइम स्पेंड नहीं कर पाई, मुझे बहुत बुरा लग रहा है उसका। राघव को अपना बनाने के लिए रात्रि ने चली नई चाल। अवि के जरिए राघव के पास आने का रात्रि ने बनाया प्लान। जब से राघव और रात्रि की सगाई में मुसीबत आई है, तभी से रात्रि मैडम और भी ज्यादा अलर्ट हो गई हैं। यूमी और टीवी तो आपको दिखा ही चुका है कि एंगेजमेंट रिंग खो जाने और रात्रि के हाथ में चोट लग जाने से रात्रि और राघव की सगाई टल गई है और अब रात्रि हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। वहीं दूसरी तरफ आज अवि बेहद परेशान है क्योंकि अवि को अपनी मम्मा की याद सता रही है। बात यह है कि आज अवि का टेस्ट है और अवि की मम्मा अवि के हर टेस्ट में उन्हें नए पेंसिल और शार्पनर सब कुछ नया ही दिलाती थी, लेकिन इस बार अवि को किसी ने कुछ नया नहीं दिलाया है, जिससे अवि का दिल टूट गया है। अवि की मम्मा तो नहीं है बट अवि के पापा तो हैं, जो अवि से बेहद प्यार करते हैं। और अवि के दिल की बात जानकर राघव ने अवि को बाहर ले जाने का प्लान कर लिया है। नहीं भैया, सॉरी, मैं थोड़ा ऑफिस आने में आज देर हो जाएगी मुझे। जो भी अर्जेंसी है तो अपने लेवल पे सॉल्व करो। एक्चुअली मुझे अभी के लिए कुछ इम्पोर्टेंट लेने जाना है, तो मैं उसके साथ रहूँगा, मैं उनका ऑफिस में। भाई वाह, राघव ने तो ऑफिस भी लेट जाने का फैसला किया है। सब कुछ फिक्स हो जाता है लेकिन तभी वहाँ रात्रि मैडम आ जाती हैं और राघव को ऑफिस जाने के लिए फोर्स करती हैं। क्या वो अभी ऑफिस इमरजेंसी की बात कर रही थी, ठीक है ना? आई डोंट नो, कुछ इमरजेंसी थी तो मैंने उसको बोला वो अपने लेवल पे सॉल्व कर लेगी, क्योंकि मुझे अभी के लिए कुछ इम्पोर्टेंट स्टेशनरी है जो उसे दिलानी है। मैं उसे ऑफिस जाते हुए स्कूल ड्रॉप कर दूंगा, फिर वहाँ से ऑफिस निकलना। मैं अभी का जो भी सामान है वो मैं उसे ड्रॉप कर दूंगी, तुम ऑफिस की जो भी इमरजेंसी वो अटेंड कर लो। प्रिया का कॉल आया था, कुछ इंपॉर्टेंट होगा, अदरवाइज वो कॉल नहीं करती। और वैसे भी कल की भाग दौड़ में ना मैं अभी के साथ बिल्कुल टाइम स्पेंड नहीं कर पाई, मुझे बहुत बुरा लग रहा है उसका। वाह, रात्रि मैडम तो अभी से अवि की माँ जैसा बिहेव करने लगी है। क्यों खुद को परेशान? मैं मैनेज कर लूंगा, आई डोंट ट्रबल। राघव, बिकॉज़ आई वांट टू, ओनली इफ हमारी अवि को इससे कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी आंटी से गुस्सा आया, अभी ने आंटी को मिस किया। मैंने भी आपको बहुत मिस किया बेबी, आई एम सो सॉरी। इतना ही नहीं, आज तो अवि भी रात्रि का ही साथ देती दिख रही है। राघव तो ऑफिस चले गए हैं, साथ ही रात्रि ने अवि को भी रेडी होने के लिए भेज दिया है। पापा की आज अब वेल, राघव के करीब आने के लिए कितनी डेस्परेट है रात्रि, ये तो हम आपको दिखा ही रहे हैं, लेकिन रात्रि का पूरा प्लान जानना तो बनता ही है। एक्चुअली प्लानिंग चालू है मेरी राघव के साथ शादी करने की, और उस प्रोसेस में जो जो चीज़ें मेरे सामने हैं, जो जो मेरे सामने रुकावटें हैं, जो जो चीज़ें करनी है, वो सारी चीज़ें कर रही हूँ। चाहे वो अभी किसको पैम्पर करना हो, उसको माँ का प्यार देना हो, चाहे दादी को पटाना हो, जो भी है रास्ते में चीज़ें, मैं सारी चीज़ें कर रही हूँ, बहुत मेहनत कर रही हूँ। किसी भी तरह मेरी राघव के साथ, मेरा पुराना प्यार है, मेरे कॉलेज टाइम का प्यार है, तो किसी भी तरह उससे मेरी शादी हो जाए। रात्रि, हमने देखा कि अवि भी आपको काफी पसंद करने लगी है, तो क्या आप अपनी मंजिल को अब करीब देखती हैं? हाँ, ऑफ कोर्स, रात्रि है भाई, ये तो मतलब अभी तो छोटी सी बच्ची है, क्यों नहीं, पर उसको तो पटा ही लेगी। और आफ्टर ऑल उसका टारगेट इतना बड़ा है, राघव से शादी करनी है, तो ये सब तो छोटी छोटी चीजें हैं, सारी हिंड्रेंसेस वो पार कर लेगी, डोंट वरी। वेल, रात्रि ने अवि को तो अपने फेवर में कर लिया है, अब देखना ये होगा कि क्या रात्रि और राघव की शादी हो पाती है या एंगेजमेंट की तरह शादी में भी कोई नई मुसीबत आ जाती है। मुंबई से शिल्पा पाटिल की रिपोर्ट, E24।